एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, जेई मेन 2017 में आया था ऑफलाइन में, जेई मेन 2017। इस सीरीज में अपन मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ताकि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन आए थे हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास प्रॉपर हो और उनको समझ के अपन चैप्टर में और आगे बढ़ सकें। खैर, ए वेक्टर दे रखा है 2i cap + j cap - 2k cap और बी वेक्टर दे रखा है और सी भी एक वेक्टर है, सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ सी माइनस ए 3 है। बोला जा रहा है कि मॉडुलस सी माइनस ए कितना है, 3, ठीक है। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड दे रखा है एंड एंगल बिटवीन सी एंड ए क्रॉस बी भी दे रखा है, तो ए डॉट सी की वैल्यू पूछी गई है। काफी सारी चीजें दे रखी है, चलो वहीं से शुरुआत करते हैं। पहली इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू 3, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू सी का मैग्नीट्यूड और ए क्रॉस बी और सी के बीच के एंगल का साइन, ए क्रॉस बी और सी के बीच के एंगल का साइन कितना है 30 डिग्री, इंटू साइन 30 डिग्री, ये 3 दे रखा है, ये कितना दे रखा है 3। यहां से ए क्रॉस बी तो मुझे पता लग सकता है, कैसे पता लगता है, अरे यहां देखो ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूं तो आई कैप जे कैप के कैप ध्यान देखिए 2 1 - 2 और जे कैप कितना आई प्लस जे तो 1 1 0, तो अगर इसको एक्सपेंड कर दे तो 1 × 0 तो 2 1 = 2i cap माइनस जे कैप इंटू 2 0 + 2, बहुत सही भाई बहुत सही, प्लस के कैप यहां पर आ जाएगा 2 - 1 1, तो ये चीज आ गई 2i cap - 2j cap + k cap। तो जहां तक मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी की बात है तो 4 4 8 1 9 3, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को 3 आ गया तो ए क्रॉस बी से हमारा कैंसिल हो जाएगा तो सी की वैल्यू आ जाएगी साइन 30 ½ 1, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कितना आ गया 2। एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड 3 है, चलो देखो इधर देख लो, सी माइनस ए का मैग्नीट्यूड 3 है तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर स्क्वायरिंग कर दें तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं सी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 times a.c 9 निकल के आ गया, तो सी वेक्टर सी को 2 है तो ये 4 आ, ए वेक्टर का स्क्वायर तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4 4 8 3 आ रहा है, 4 4 8 + 1 9 तो 3 आ रहा है, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 times a.c 9 निकल के आ गया, तो 9 से 9 कट गया तो a.c की वैल्यू बेहतरीन 2 निकल के आ गई। कोई ऑप्शन है का बॉम्बे, यस। मेंस में वेक्टर के बाद सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ढंग से बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए और उनको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, क्लियर हुआ पूरा क्वेश्चन, कॉपी कर लो।